आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं बीजेपी छोड़ दे। अगली बार अगर वो बीजेपी में ही रहे, बीजेपी से चुनाव लड़े तो क्या हार जाएंगे? तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा में है, आपको लगता है उन्हें भाजपा छोड़ देनी चाहिए? छोड़ेगा। बीजेपी छोड़ दे तो फायदे में रहोगे भाई? फायदे में रहेंगे। हाँ क्यों? गदर मचा दिया इसने। ये जादूगर है ना, ऊपर बैठा, इसने नाश कर दिया इंडिया का। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राहुल यादव। जींद के एकलव्य स्टेडियम में इस वक्त चौधरी बीरेंद्र सिंह की मेरी आवाज सुनो रैली चल रही है और जो भीड़ है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरफ स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर भी भारी संख्या में बैठे हुए हैं, और क्योंकि इसके अलावा जो पंडाल लगा है वो पूरा भर चुका है। मैं सिद्धार्थ को कहूंगा कि पंडाल की तस्वीरें भी दिखाए कि जो पंडाल है वो भर गया है, और इधर स्टेडियम की जो सीढ़ियां हैं वहां पर भी लोग बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। यानी कि भीड़ के लिहाज से देखा जाए तो इस रैली में जिस प्रकार की मेहनत चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अलग अलग जिलों में घूमकर की थी वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक लंबा समय, करीब 4 दशक वो कांग्रेस में रहे, और उसके बाद उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की तब भी उन्होंने जींद के एकलव्य स्टेडियम में ही एक बड़ी रैली की थी। लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं, किसको सुनने आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हो जी आप? उचाणा से जी। तो क्या लगता है किसको सुनने आए हो, क्या होगा आज? चौधरी बीरेंद्र सिंह को सुनने आए हैं। तो चौधरी साहब क्या निर्णय लेंगे कि आप उचाणा से आए हो, वहाँ से तो उनकी जो वाइफ है वो चुनाव भी लड़ती रही है, प्रेमलता जी? वो तो उन्हीं ने पता है क्या निर्णय लेंगे। आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं बीजेपी छोड़ दे। बीजेपी छोड़ दे? छोड़ दे। वो तो लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी को मैं दिखाऊंगा, अपनी आवाज़ सुनाऊंगा, पार्टी छोड़ने की तो कोई बात अभी हो नहीं रही। हम तो चाहते हैं भाई पार्टी छोड़ दे बीजेपी को। क्यों चाहते हैं आप? बीजेपी को नहीं चाहते हैं लोग। अच्छा। किसान नहीं चाहते हैं, मजदूर नहीं चाहते हैं। और अगली बार अगर वो बीजेपी में ही रहे, बीजेपी से चुनाव लड़े तो क्या हार जाएंगे? हार जाएंगे इलेक्शन में। उचाणा से भी हार जाएंगे? हार जाएंगे उचाणा से भी। आप क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? आप भी बता ना ये क्या कहना चाहोगे जी, कहाँ से आए हो ये तो बता दो। से क्या चाहते हैं उचाणा वाले? तो बीरेंद्र को चाहते हैं बस। बीरेंद्र सिंह? हाँ बस। पार्टी कौन सी पसंद है? पार्टी तो हमारे बीरेंद्र सिंह जहाँ है वहीं पार्टी है। लेकिन वो भाई साहब तो कह रहे हैं, वो भी उचाणा के, वो कह रहे हैं बीजेपी में रहे तो हार जाएंगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात को नहीं। अच्छा। हाँ लेकिन आप लोगों के मन में ये है कि भाई पार्टी बदल लेनी चाहिए पार्टी? तो वैसे कांग्रेस में जाना चाहिए? नहीं कांग्रेस में की और बहुत पार्टी है, हम खुद की पार्टी बना रहे हैं। खुद की पार्टी बना ले। हाँ आप कहाँ से आए हैं जी? बुलाना से। अच्छा ये जो रैली आज आप देख रहे हैं, आप किसको सुनने आए हैं, क्या आपको लगता है कि आज यहाँ होने वाला है? वो तो टाइम बताएगा आने वाले भी क्या रहेगा। पहलवान अखाड़े में आए हैं, किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। दो पहलवान कुश्ती करेंगे, एक तो गिरेगा। तो कौन गिरेगा आज? वो तो आपके सामने होगा ना मैदान के अंदर। अच्छा चौधरी बीरेंद्र सिंह को आपको क्या लगता है, क्या उन्हें बीजेपी छोड़ देनी चाहिए? देखो पार्टी नेताओं का काम तो ये है ही राजनीति में कि भाई फिर बदल होना, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में। लेकिन बीरेंद्र जी का ये कहना कि भाई बेदाग नेता है, एक बेदाग नेता है, और नाते ये देखो क्या रहता है इनका, आज शाम तक पता चल जाएगा। बाबा आप कहाँ से आए हो? थुआ है। अच्छा तो किसको सुनने आए हो आज? हाँ आज कहने सुनने आए हो रे, सुनने किसको आए हो? बेरा। अच्छा आप बताओ जी। मैं तो बीरेंद्र के हिसाब से आ रहे हैं। बीरेंद्र के हिसाब से आ रहे हो? तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा में है, आपको लगता है उन्हें भाजपा छोड़ देनी चाहिए? छोड़ेगा रे। छोड़ेगा? पक्की बात है? मार है तो ठीक रहा है जी। कहे हैं गन खरे। अच्छा ये कहे हैं? इनको है इसमें होगा कांग्रेस में। कांग्रेस में आना चाहिए? फायदा उठाएगा जी। हां जी इज्जत रह जाएगी इसकी। अच्छा कांग्रेस में तो इज्जत रह जाएगी, कांग्रेस में तो रह जाए ठीक था जी, दे देगा पढ़िया रह जाए ठीक था, ये भी आ जाएगा जो फायदा उठा जाएगा। अच्छा लेकिन वहाँ तो ये कहते हैं कि भाई भूपेंद्र हुड्डा है, मैंने उससे 10 साल लड़ाई लड़ी, वो तो आज भी वही है, वहाँ जाके क्या करूँगा? वो तो उसकी सलाह ले चुकर करेगा, फायदा हम तो यहाँ का। अच्छा तो कांग्रेस से आ गए तो आप लोग जिता दोगे? आगे कांग्रेस में आवांगे मैं, उकनाना का लड़का का अभी हम तो नरेश ने जीते आवांगे। आज किसको सुनने आए थे? हम वीरेंद्र को, हमारा भाई है जो छोटू राम का देवता है, देखना आए हैं, सुनना आए हैं। हाँ और के कुछ ही आए हैं। आप कहाँ से आए हो जी? हाँ उचाणा आए जी। उचाणा से? अच्छा लोग कह रहे हैं कि भाई ये उचाणा पे लड़ाई फंस गई है, दुष्यंत वहाँ से विधायक है, प्रेमलता जी हार गई थी, अब चौधरी बीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि गठबंधन टूट जाए और उचाणा की सीट से टिकट फिर दोबारा उनको मिल जाए।
तो लड़ाई उचाना की है बस कुछ बीजेपी से तो तंदे को नहीं हमें दीपलाल थप्पा दे दीपलाल रहजू दुष्यंत चौटाला हां ओ अपना ऊपर मलाई खा गया हम उसका 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 साहब दे बनाएंगे तो ये तो सारे यूं कह रहे हैं कि चौधरी साहब को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए आपको क्या लगता है बीजेपी छोड़ दे तो फायदा में रहोगे भाई फायदे में रहेंगे हां क्यों गदर मचा दिया इसने कदे कदे नोटा का हिसाब ले लिया लुगाई या धक्का कदे पैन कार्ड बना लो कदे आधार कार्ड बना लो कदे प्रॉपर्टी आईडी बनवा लो ये गदर मचा दिया इसने तो मेरे यार पानी का नहीं भी पूछ कर जाना पड़ा है बता तो लेकिन अगर ये बीजेपी में ही रहते हैं तो आप क्या भविष्य मानते हैं इनका किसका चौधरी वीरेंद्र सिंह का वीरेंद्र सिंह तो लड़ाई को बीजेपी में पक्का छोड़ेंगे पक्का कोई भविष्य नहीं है अच्छा उनके जैसे प्रेमलता जी से हमारी बात हुई सुबह सांसद जी से बात हुई वो तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है पार्टी छोड़ने के लिए आवाज देखेंगे अच्छा आवाज तो देखनी पड़ेगी जो वहाँ कमजोर है तो बदल देंगे इनका क्या हिसाब से बदल देंगे तो आप चौधरी वीरेंद्र सिंह को पसंद करते हो या किसी पार्टी को पसंद करते हो हम तो किसी ने पसंद नहीं करते भाई राज के ग्रहण आए हो बस ये तो हमारे शिव कुमार शिव नारायण शर्मा है हमारा अच्छा उसका उसके साथ आए हाँ जीन से जो है शिव हाँ आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि शिवनारायण शर्मा जी की वजह से आप यहाँ आए हैं लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुराने साथी हैं वो सब तो आप लोगों की राय क्या है मतलब क्या उम्मीद करते हैं आप चौधरी हमारी राय ये है या तो जेजेपी का गठबंधन बीजेपी से टूट जाए अन्यथा वीरेंद्र सिंह का कोई भविष्य नहीं है वीरेंद्र सिंह एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है वो लोगों की लड़ाई लड़ता है गरीब कमेरा वर्ग की लड़ाई लड़ता है किसानों की लड़ाई लड़ता है और कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता है लेकिन वो तो वो एक हमारी एक सलाह है वीरेंद्र सिंह जी को इन्हें कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए कांग्रेस में इनका कोई आधार मौजूद नहीं बचेगा इन्हें या तो अपनी नई पार्टी बनानी चाहिए या आम आदमी पार्टी जो उभरती हुई पार्टी है हरियाणा के लिए उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए ये क्या कह रहे हैं ये तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ना, ना, ना कुछ नहीं आम में हरियाणा में जी आम नहीं आओगी अच्छा तो देखिए लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और भी लोग आए हैं यहाँ पे तो काफी संख्या में लोग था कहाँ से आए हो मैं भाई कापड़ो गाँव से आया हूँ हिसार जिला हिसार जिले से आए हो कापड़ो से अच्छा आप यहाँ इस रैली में किसको सुनने आए आप वीरेंद्र को अच्छा तो वीरेंद्र सिंह आपको बढ़िया नेता लगते हैं हाँ बड़ा छवि का नेता है कोई इसने किसी पर रिश्वत नहीं ली लड़के लुवाए हैं जिसने अच्छी छवि का है लेकिन आजकल कह रहे हैं कि भाजपा में चौधरी साहब थोड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं उनकी आजकल पूछ कम हो गई भाजपा में पूछ तो करिए नहीं इसने तो ये तो गदड़गुली बढ़ रही है भाजपा कहाँ है इनमें तगड़ा लीडर है ये तो जादूगर ऊपर है अच्छा। किसान भी मार दिया मजदूर भी मार दिया अब कह दो हरियाणा के अंदर सीएम हुड्डा साहब आएंगे चाहे कोई सूत्र पटक लो और चाहे कोई एडी रगड़ लो अच्छा आप कह रहे हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर फिर चौधरी साहब का क्या होगा अरे इसको भी साथ मिलेगा मामा फूफी के तो हैं अच्छा हाँ साथ तो इसको भी मिलेगा बगल में तो इनको कांग्रेस में जाना चाहिए कांग्रेस में लेके जाएंगे अच्छा। किसान लेके जाएंगे हल्का के ये तो आप लोगों से पूछेंगे तो आप कह दोगे भाई कांग्रेस में जाओ हाँ कांग्रेस में विलन करो यहाँ चौधरी सीएम के लिए बड़ा सीएम इसने कौन बनाएगा यहाँ तो गादड़गुली बनी हरियाणा के अंदर भी अच्छा। ये जादूगर है ना ऊपर बैठा इसने नाश कर दिया इंडिया का अच्छा बाबू जी आप कहाँ से आए हो और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करेंगे जो बोलने के लिए तैयार है हाँ जी कितना आए हो आप कलियाथल का कलायत कैथल कलियात कलियात अच्छा कलायत से आए हो तो ये बताओ कि आज इस रैली से लोग कह रहे हैं कि भाई चौधरी साहब को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए आपको क्या लगता है देखो जी कैंडिडेटों में बात होगी कैंडिडेट कौन आवेंगे हल्के में कौन नहीं नहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ वीरेंद्र सिंह तो इस स्वतंत्र देखे तो मुख्यमंत्री बन सके बन सकते हैं मुख्यमंत्री हाँ इस स्वतंत्र देखे आज का बोलना मुख्यमंत्री बन सके लेकिन कौन सी पार्टी में रहना चाहिए आपके हिसाब से मैं तो इतनी सोचता हूँ भाई लाले कांग्रेस में आए तो ठीक है बीजेपी में क्यों नहीं तो बीजेपी में रहेंगे तो नहीं बनेगी बात नहीं बनेगी आपको बीजेपी पसंद क्यों नहीं नहीं जी पाचा जी हमारा बीजेपी ने कुछ करया नहीं है जिम्मेदार का बीजेपी का कुछ नहीं करया जो महल बन रहे उनसे नहीं करया मंत्री बन रहे उनसे नहीं करया बीजेपी से जनता खिलाफ हो रही है तंग हो रही है घनी